सभी माध्यम कर्मियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशन जो रुके हुए थे, हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है जिस ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है, ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए, तो उस लिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में, और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है, IG लेवल की महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। 5-6 घंटे से ये आंदोलन चल रहा है, या रेलवे ट्रैक पे सब लोग बैठे हुए हैं, जायज है, क्योंकि घटना ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, वो शर्मनाक घटना हुई है। लेकिन 5-6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से CM साहब ने कहा है, DCM साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीता ने भी कहा है कि इसके ऊपर SIT रखी गई है, इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील है, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो, ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है।